ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है, तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं। और जैसे कि सर, मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूंगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की, में ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूं जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की, जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। एक ट्रिपल जंपर भी हैं, शायद USA के हैं, कहाँ के हैं, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पैरा, पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। या कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जैसे कि ये गुड़िया है, ये फोर्थ है, काफ़ी लोग फोर्थ हैं तो ये निराश हो रहे हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। मतलब देखिए, मैं समझता हूं कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने, चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इसके इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूँ, बट मैं नवदीप का गुरु हूँ। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी एज ए बड़े भाई गुरु के तौर पर रहा है। तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं, उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे। लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है, अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पर हुआ होगा। तो सर हम उसमें भी अपने उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए, अपने 8 गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे, उसमें भी खेल पाए। नहीं नहीं आपका जीवन के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण है, ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूँगा और करके रहूँगा। मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर।